Assalamu alaikum everyone. Umeed hai ki sab bilkul khairiyat se honge. Aaj ki video mein main banana sikhaungi fattoush salad jo ki bahut hi easy way mein ban jayegi aur bahut hi mazedar hai. Start karne se pehle agar aap log mere channel par new hain to kindly subscribe kar lijiye support ke liye. Fattoush salad banane ke liye ye Arabic bread या रोटी कह लें, खुबुस कहते हैं इसको, वो यूज़ होती है. इसके अलावा अगर ये नहीं हो अवेलेबल तो आप पीटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वरना टोर्टिया ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं. सिंपली उसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स के अंदर या किसी भी शेप में कट करके आप इसको फ्राई कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा. इस सैलड में डालने का मेन कॉम्पोनेंट, इसकी वजह से ये सैलड बहुत उठ जाती है. अब सैलड सीजनिंग प्रिपेयर कर लेते हैं. 2 to 3 टेबल स्पून, जितना भी आपको खटास पसंद है उतना लेमन जूस ले लेंगे फ्रेश. इसके बाद सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर यूज़ की है. मस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून. अगर मस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, और हनी मैं यूज़ करती हूँ 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, जितना आपको पसंद है आप हनी यूज़ कर सकते हैं. इन सबको मिक्स कर लेंगे. अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को. ये सुमाक है जो कि एक स्पेशल स्पाइस कह लें जो यूज़ होती है सैलड के लिए, ये बाद में यूज़ करेंगे. 1/2 कप कैरेट, क्यूकम्बर, टोमेटो, अनियन, हरी प्याज और कैबेज, इन सब को अराउंड 1/2 कप मैंने ले लिया है, फाइनली चॉप कर लिया. और ग्रीन्स हैं यहाँ पे मेरे पास 1 कप. आप कोई सी भी ग्रीन्स अपनी पसंद के यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा हरा धनिया पुदीना भी मिला लीजिएगा. और ये वही फ्राइड पीटा ब्रेड या खुबुस के पीसेस हैं. और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ रेजन्स यूज़ करूँगी मैं, किशमिश. आप चाहें तो ड्राइड क्रैनबेरीज या कोई इस तरह का कोई भी मीठा ड्राइड फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. अब सिंपली जितनी भी वेजिटेबल्स कट कर ली थी इन सबको एक बोल में ऐड कर रही हूँ. जो ग्रीन्स थे वो भी ऐड कर रही हूँ मैं. अब इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सैलड की बाकी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो अब मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर रही हूँ, और अब मैं सीजनिंग डाल दूंगी इसके ऊपर से फैला कर. अब जो सुमाक स्पाइस था जो शुरू में यूज़ नहीं किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे इस स्टेप पे. अगर सुमाक अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह लेमन जेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. और वो जो फ्राइड पीसेस ऑफ खुबुस थे वो ऐड कर रही हूँ. बस हो गई ये सैलड कंप्लीट. आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फॉर श्योर आपको बहुत पसंद आएगी. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.